कोटा में महिला और उसके पड़ोसी के बीच कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में पुलिस कांस्टेबल का एक ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में कांस्टेबल लोकेश चौधरी एक युवक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देता सुनाई दिया और साथ ही पीड़ित से गाली गलौज भी कर रहा है। इस पूरे मामले का ऑडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल को जाँच पूरी होने तक लाइन हाजिर कर दिया। वही जानकारी के मुताबिक उद्योग नगर थाना इलाके की महिला का अपने पड़ोसी से विवाद चल रहा था। इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत अपने परिचित पुलिस कांस्टेबल लोकेश चौधरी से की और इसी दौरान कांस्टेबल ने पीड़ित महावीर को फोन पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। ऐसे में पीड़ित ने आईजी और शहर पुलिस अधीक्षक को परिवाद दिया, जिसके बाद उचित कार्रवाई करते हुए जांच पूरी ना होने तक एसपी ने कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। एक उद्योग नगर में कांस्टेबल है लोकेश चौधरी करके, सर ये फ़ोन पे मेरे को इतनी बद्दी बद्दी गालियाँ माँ बहन की जो मैं बता भी नहीं सकता। वो मुझे औरत के केस में किसी भी केस में ये कभी भी फंसा सकते हैं, इन्होंने ये धमकी दी है मुझे और इनसे मुझे जान का खतरा है। इनके बदमाश हैं, उनसे मुझे मरवा सकते हैं और मेरे साथ ये कुछ भी घटना करवा सकते हैं, मेरे परिवार के साथ करवा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी बस रक्षा करें। मामला कुछ भी नहीं था सर, मेरे एक मित्र है, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, उनके पड़ोसी में शादी थी तो उन्होंने कहा था कि भाई गाड़ी हटाओ, तो ये कोई ऐसा कानूनी नहीं था, ना रिपोर्ट थी, लेकिन वो बस दादागिरी से उसे हटवाना चाहते थे और मुझे बिना वजह परेशान किया। और अभी भी मैं उनसे, मेरे को डर है, मैं 12 तारीख से मेरे घर गया नहीं, फोन करके।